दोस्तों नमस्कार। हर हफ्ते मैं आपके सामने आता हूँ कुछ विशेष वीडियो लेकर के, जो आपके लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, था आपके नाते रिश्तेदारों में अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसके लिए भी उपयोगी है। उसी क्रम में आज मैं मानसिक बीमारी के से संबंधित एक वीडियो पर बात करूंगा। विचार कई प्रकार के होते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, पवित्र विचार, गंदे विचार। विचारों के मतलब बहुत प्रकार का विचार दिमाग में आता है और विचारों पर ही आदमी का व्यक्तित्व बनता है। लेकिन कुछ ऐसे विचार आते हैं जिससे छुटकारा नहीं मिलता, अनवांटेड थॉट। आदमी उसको चाहता है कि हमारे दिमाग से ये बात निकल जाए, लेकिन वो निकलती नहीं, बार बार वही रिपीट होता है। एक बार आया, दो बार आया, तीन, उसको निकलता नहीं, एक साइकिल चलती रहती है उसके दिमाग में। इससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और इसी पर मैं बात करूंगा आज के वीडियो में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई पीछे से मुझे आवाज दे रहा है, और कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कोई मुझे बुला रहा है, और कुछ लोग इस तरह के फील करते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के आवाज उनको सुनाई दे रही है, और इसी स्थिति में वो सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत मुझे हो गया है। लेकिन ऐसी बात होती नहीं, एक प्रकार की एक बीमारी है और ये मानसिक बीमारी है। बहुत लोगों को समाज में होती है, लेकिन लज्जावश और कुछ और कारण से लोग इसको मतलब स्पष्ट नहीं करते, बताते नहीं, लेकिन होती तो। और एक एक विचार अगर बार बार आ रहे हैं दिमाग में और आदमी चाहता है इसे छुटकारा मुझे मिल जाए, तो छुटकारा नहीं मिलता, वो जाते नहीं दिमाग से, एक साइकिल चलती रहती है जो लगातार उनके दिमाग में चलती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बेरिक्स की एक दवा है जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, और ये मेरे प्रैक्टिस में मैंने इसको उपयोग किया है और बहुत ही कारगर दवा है। अगर रोगी को दी जाए तो ये विचारों से उसकी छुट्टी मिल जाएगी जो बार बार उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, जिसे वो नहीं चाहता है उससे छुटकारा मिल जाए। दवा का नाम है वाइट चेस्टनट, ये वैद्य फ्लावर रेमेडी है, डॉक्टर वैद्य की दवा है, वैद्य ने इसकी खोज किया है और ये बहुत बेहतरीन इस बीमारी के लिए है। दोस्तों और एक बात है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दिन रात बेचारे पढ़ते हैं, परीक्षा नजदीक होती है, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा सिलेबस वो कवर करते हैं और परीक्षा हाल में जाते हैं, पेपर भी उनके हाथ में आता है, पेपर देख करके वो खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि तो मुझे सब आ रहा है। लेकिन जब लिखना होता है उनको तो दिमाग कोरा हो जाता है, दिमाग खाली हो जाता है और बेचारे वो उतना नहीं लिख पाते जितना वो उनकी तैयारी होती है। और परीक्षा हाल के बाहर आने पर बताते हैं अपने दोस्तों से कि आता तो मुझे सब कुछ था लेकिन लिख नहीं पाए, उस समय में भूल गया, ऐसी बात करते हैं। मतलब ये कहा कि दिमाग कोरा हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी यह दवा बहुत ही कारगर है। वाइट चेस्टनट नाम की वैद्य फ्लावर रेमेडी है। इसको अगर परीक्षा के 15 दिन पहले सुबह दोपहर शाम एक कप पानी में 3-4 बूंद डाल करके अगर विद्यार्थियों के दिया जाए, अगर ये समस्या है तो बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। आज बस इतना ही दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह में एक बार फिर से आपके
आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।